प्रदेश भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध आहार मिलावट पर वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि शादियों के सीजन के चलते विभाग द्वारा मावा, पनीर और दूध से बनी हुई मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। शादियों के सीज़न को देखते हुए हमारा विभाग पूर्णतः सजग है और निरंतर हमारी जो मावा और दूध से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए चेकिंग और समय समय पर उनके टेस्टिंग लगातार कर रहे हैं। अभी गर्मी भी थोड़ी बढ़ चुकी है तो इसके कारण जो दूध और दूध के जो उत्पाद हैं वो खराब होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह के इंटॉक्सिकेशंस को नियमित समय पे चेक करा जा रहा है। हमारे जो FSOs की टीम बनी हुई है यहाँ पे, वो टीम निरंतर जाके उन्हें चेक कर रही है। जहाँ पे दूध की थोक विक्रेता है वहाँ पे भी जाके सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि जो लोग अपने शादी में या घर के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है उसमें दूध का और दूध से संबंधित सामग्री को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे FSOs जाँच कर रहे हैं, उनके सैंपल लेते हैं समयबद्ध और उनके आगे जाँच करवाते हैं। हमारे यहाँ कुछ जो नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहण किए जाते हैं, उनकी वो सैंपल्स हमारे यहाँ जमा कराते हैं, देन उसकी जांच हम लोग करके उनको जो अभिहित अधिकारी है उनको रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। एक शुद्ध विशेष अभियान भी इन दिनों चलाया हुआ है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, उसके तहत भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के नमूने मार्केट में लिए जा रहे हैं और जो मिलावट खोर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि मिलावटियों में ये संदेश जाए कि इस सरकार में जीरो टॉलरेंस पे इस तरह का मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।